नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल प्रोज चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त नरेश लव प्रोज। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि टिकटॉक पर वीडियो कैसे बनाते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी अपना टिकटॉक पर वीडियो आसानी से बना सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस किस तरह के इफेक्ट लगाना और किस तरह से लगाना है। तो दोस्तों तो बने रहे हमारे वीडियो पर और देखते रहे पूरा वीडियो। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि टिकटॉक पर हम वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटे से इंट्रो के साथ करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल के होम स्क्रीन। तो चलिए दोस्तों हम अपना टिकटॉक को ओपन कर लेते हैं। तो टिकटॉक को ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर एक एड चल रही है, इसको हम स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टिकटॉक का इंटरफेस आ रहा है। तो हमें सबसे पहले प्लस वाले आइकॉन पे जाना है। प्लस वाले आइकॉन पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना लाइव भी यहाँ से डायरेक्ट भी अपना वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आप शूट कर लेना। तो उसके बाद मैं गैलरी से एक वीडियो ले लेता हूँ। तो दोस्तों आप गैलरी से अपना कोई भी वीडियो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो ये वीडियो मेरे सामने आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर ओके कर दे। नेक्स्ट पर आने के बाद दोस्तों आप ऊपर जो दिखाई दे रहा है फिल्टर, यहाँ से आप अपने वीडियो को फिल्टर कर सकते हो जैसा आपके हिसाब से, जैसा कलर रखना चाहते हो। तो यहाँ से आप अपने वीडियो का कलर भी रख सकते हो। उसके बाद जो लैंडस्केप लिखा हुआ है यहाँ से भी आप अपने वीडियो में अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हो फूड लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपने वीडियो में कुछ भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप अपना जो ट्रिम लिखा हुआ है यहाँ से अपने वीडियो को आप आगे पीछे काट सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप नीचे देख सकते हो साउंड लिखा हुआ है, साउंड पे आप चले जाओ। यहाँ से आप अपने हिसाब से साउंड लगा लो। तो यहाँ से इस अगर ये गाना यूज़ करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ दिस सॉन्ग। यहाँ से इसको आप इस सॉन्ग को आपके हिसाब से जो भी सॉन्ग लगाना चाहते हो ऊपर सर्च बॉक्स में सर्च करके आप सॉन्ग ऐड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपका इस वीडियो में अगर आपका ओरिजिनल जो वॉइस है उसको हमें कम करना रहेगा तो उसके बाद आप वॉल्यूम पर चले जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हो साउंड ट्रैक और ओरिजिनल साउंड। तो दोस्तों अगर हम गाना यूज़ करेंगे तो हमारा ओरिजिनल साउंड को यहाँ से हमें कम कर देना है। उसके बाद यहाँ से अपना जो गाना सेट किया वो गाना ही चलेगा। उसका वॉल्यूम चाहे आप बढ़ा भी सकते हो या इसको घटा भी सकते हो। तो उसके बाद यहाँ से आप अपना साउंड लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर साउंड के आगे इफेक्ट लिखा हुआ है, इस पर हमें जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे ये जितने भी आपको विजुअल लिखा हुआ है, ये जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे इसको हमें अगर यूज़ करना हमारे वीडियो में तो इसको हमें थोड़ी देर के लिए जितना हमें यूज़ करना है उतना हमें यहाँ पर टैप करके रखना है। उसके बाद ये इतना मैंने यूज़ किया तो उसके बाद आगे ग्लिच लिखा हुआ उसको मैं थोड़ी देर ऐसे टैप करके रखता हूँ। उसके बाद रैन लिखा हुआ इसको जितना मुझे लगाना उतनी देर हमें टैप करके रखना। उसके बाद आप आगे स्मोकिंग ये सारे जो इफेक्ट आप देख रहे इसको टच करके रखना। उसके बाद गोल्ड पावर इसको हमें इस तरह से जितनी देर आप टच रखोगे उतना ही इस वीडियो पर आप देख सकते हो ऊपर कलर वाइज ये शो हो रहे। तो ये आप जितनी देर आप इसको यूज़ करना चाहते हो उसको आप दबा के रख दो तो ये आपका इस वीडियो में यूज़ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता नीचे स्टिकर। तो दोस्तों स्टिकर में आप अपने हिसाब से अगर जैसा भी आप स्टिकर चाहते हैं डबल रोल करना चाहते हैं तो इसमें आप देख सकते हो अलग अलग इफेक्ट आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ से आप अपने मर्जी आए वैसे आप यहाँ पर लगा सकते हो। आप देख सकते हो बिल्ली जैसा मुंह बन गया है यहाँ पर। तो उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से फूल वगैरह कुछ भी यहाँ से स्टिकर ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों यार टिकटॉक वाला भी कैसा कैसा मुंह दिखा देता अपने को। चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो पर बने रहते हैं। तो इसके बाद आप चले जाओ आगे ट्रांजेक्शन पर। यहाँ से भी आप अपने हिसाब से कोई भी इफेक्ट लगाना चाहते हो तो यहाँ से लगा सकते हो। उसके बाद स्प्लिट
स्पीड पे जाने के बाद दोस्तों आप अपने वीडियो का डबल रोल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप अपने वीडियो को तीन तीन भागों में बनाना चाहते हो या चार भागों में बनाना चाहते हो या दो भागों में, तो जितनी देर आपको वहाँ पर रखना है आपको टैप करके रखना होगा। तो आप जितनी देर टैप करके रहोगे उतना ही वीडियो आप देख सकते हो, ऊपर जो लाइनिंग चल रही है उसमें हमारा वीडियो उतनी देर के लिए ऐसा शो करेगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हो, स्लो मोशन यहाँ से लगा सकते हो, कहाँ पर आपको लगाना है स्लो मोशन, तो यहाँ से स्लो मोशन भी लग सकता है। उसके बाद दोस्तों हम दूसरा इफेक्ट में चला जाते हैं, दूसरे इफेक्ट में आपको दिखा देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चैप्टर जो लिखा हुआ है, चैप्टर में आप चले जाओ, यहाँ से आप अपना कोई भी जो आप टेक्स्ट लिखोगे उसका यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। माना कि ये फॉन्ट मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम वगैरह कुछ भी लिखने के बाद आप डन कर दो तो ये नाम यहाँ पर शो करेगा। इसको आप जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो, कॉर्नर में, सेंटर में, जहाँ भी आपको लगाना है यहाँ से इसको लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों चैप्टर के बाद आप चले जाओ स्टिकर पर, स्टिकर पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आप अगर हैप्पी दिवाली का अगर आपको वीडियो बनाना है तो यहाँ पर आप हैप्पी दिवाली का जो इफेक्ट है ये यहाँ पर आप कॉर्नर में लगा सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना वीडियो बना सकते हो अलग अलग इफेक्ट डाल करके। अभी आप ये वीडियो देख सकते हो, इसमें अलग अलग फूल की बारिश हो रही है, तो तितलियाँ उड़ रही है, ये सारे इफेक्ट आप इसमें लगा सकते हो आसानी से। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट के बाद ये आपका वीडियो प्रोसेसिंग होगा, तो उसके प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको हैशटैग लगाना है ये वीडियो आप किस बारे में, आप हैशटैग लगा सकते हो। यहाँ से हैशटैग के लिए आपको हैश लगाना है, उसके बाद लव माय फैंस, अगर आप इस तरह से कोई भी अपना हैशटैग लगा सकते हो, वीडियो के अकॉर्डिंग आपको जैसा भी लगाना है आप आसानी से लगा सकते हो। उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा पोस्ट, तो यहाँ पर आपको अपना वीडियो पोस्ट कर देना। इस तरह से आप अपने टिकटॉक पर अपना वीडियो आसानी से बनाकर पोस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए हर तरह के टेक्नोलॉजी वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।